भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। बाबा, आपने मेरे जीवन में इतनी अनहोनी चीजें की हैं, आपका प्यार और आशीर्वाद में जहां पे भी रही मुझे कॉन्स्टेंटली मिलता रहा। इवन कि चीजें पहुंचती रही मेरे हाथों में, आपने चीजें तक पहुंचाई, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ बाबा। आपके एहसास के बिना, आपके साथ के बिना, आपके सपोर्ट के बिना, आपकी गाइडेंस के बिना तो मैं चल ही नहीं सकती है जीवन में। और मुझे हर मिनट, हर पल, हर मोमेंट आप चाहिए हो, और हर एक चीज़ के लिए मैं आपको ही बोलती हूँ। तो यही एक बात बताती हूँ, 1997 में मेरी बेटी पैदा हुई थी नवंबर के महीने में। तो क्या हुआ था कि मेरे ब्रदर तब MBA पढ़ता था, तो और उसको बहुत चांस मिलते थे बाबा के साथ इंटरेक्ट करने के। तो उसने मुझे बोला कि तुझे कुछ चाहिए क्या पुटापर्ती से? मैंने बोला मुझे तो बाबा की विभूति चाहिए, तू बाबा को बोलियो। तो उसने एक बारी दर्शन में उसको चांस मिला, बाबा उसकी तरफ आए, तो उसने बाबा को बोला, बाबा सिस्टर ऑन फैमिली वे प्लीज ब्लेस हर। तो बाबा ने हाथ घुमाया और विभूति क्रिएट करके उन्होंने पेपर मंगाया, और वो पेपर पे विभूति बाबा ने की, और बाबा ने पुड़िया बनाई, पैक करी वो विभूति, और मेरे ब्रदर को दी। उसके पास लौंग भी थे, तो वो भी बाबा ने ब्लेस किए। तो मेरे ब्रदर ने वो जो है अपने पास विभूति और वो रख ली, और उसने मुझे बोला कि तेरे को बाबा ने ब्लेस कर दिया है, बाबा ने सुन लिए तेरी बात और बाबा ने ब्लेस कर दिया है, तो सब ठीक होगा। तो नवंबर का महीना था, और मैं काकड़ा पार में रहती थी गुजरात में, जो कि एक बहुत ही रिमोट जगह थी, जिसके आई थिंक 15-20 किलोमीटर पे एक छोटा सा गांव आता था, वो भी एक ट्राइबल पिछड़ा हुआ गांव था, और वहां पे एक बहुत पिछड़ा हुआ हॉस्पिटल था, और वहां पे ही मेरे हस्बैंड चाहते थे मेरी डिलीवरी हो, तो वहीं पे ही हमने किया था। तो क्या हुआ था कि वहां पे होना था, मतलब सब कुछ डॉक्टर में वहीं दिखा रही थी। तो क्या हुआ था कि मेरी मम्मी दिल्ली में थी वसंत कुंज में, तो क्या हुआ कि एक वहां पे समिति का एक लड़का था, उसने एक दिन मम्मी को बोला कि आंटी मैंने ये टेप देखी, एक बड़ी बड़ी VCD टेप आया करती थी, इतनी बड़ी बड़ी जो VCR में लगती थी टेप होती थी, और बाबा के उसी में आते थे, जो भी वीडियोस थे उसमें आते थे दर्शन के इसके। तो फिर उसने बोला कि, तो मम्मी ने बोला कि, उसने बोला उसमें दीपक है, तो मम्मी ने बोला कि बेटा मेरे पास तो VCR है नहीं, पर हाँ मैं अपनी बेटी की डिलीवरी के लिए वहां जा रही हूँ, उसके घर जा रही हूँ, तो तू मुझे दे दे, मैं उसके वहां ही देख लूंगी ये VCR, उसके VCR में देख लूंगी, फिर मैं जब दिल्ली वापस आऊंगी तेरी टेप मैं वापस कर दूंगी। तो गौरव था उसका नाम, वसंत कुंज में रहता था। तो फिर उसने मम्मी को दे दी, और मम्मी ने उसको बैग में डाल लिया, और इन्होंने हमारे पास आना था पापा मम्मी ने। और तो लेकिन क्या हुआ कि दीपक नाटक में, कन्वोकेशन ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रहा था, और बाबा ने बोला कि तुम्हारे पेरेंट्स आ सकते हैं, उन्हें VIP ट्रीटमेंट मिलेगा, और वहां पे पुटापर्ती में उनको स्पेशल सीटिंग मिलेगी। तो उसने फटाफट मम्मी पापा को फोन किया कि मम्मी पापा आप जल्दी आ जाओ पुटापर्ती, आप लोग को स्पेशल दर्शन मिलेंगे, आपको स्पेशल सीटिंग मिलेगी, खाना मिलेगा, आपको बहुत अच्छा मौका है, आपको नहीं गंवाना चाहिए, और बाबा ने बोला है आने के लिए। बट इन लोगों ने तो, बाबा का बर्थडे होते 23 नवम्बर को, और मेरी एक्सपेक्टेड डेट भी तभी थी, तो मतलब 23, 25, 27 उसी वक्त मेरी भी डेट थी। तो मम्मी पापा को पता नहीं था कि क्या करें, आप सारे टिकट, इतनी रिमोट जगह में मैं रहती हूँ, उसके इतने सारे रिजर्वेशन कराने थे, और फिर मम्मी ने पापा ने बोला अब तो हमने रिजर्वेशन करे, अब क्या करें। पर मेरे ब्रदर ने इंसिस्ट किया कि देखो ये मौका बार बार आने वाला नहीं है, आप आना है, आपको आना ही है,
तो मेरे मम्मी पापा ने बोला कि कुछ भी हो, हमारे रिजर्वेशन जो है पहाड़ में, हम लोग जनरल पब्लिक में, जनरल बोगीज में चढ़ के हम बाबा को मिलने के लिए जाएंगे, ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है। तो फिर वो वहां पे उन्होंने सारा प्लान चेंज कर दिया। और अब जी वो पुटा पड़ती, बाबा का बर्थडे था और उसके बाद, मतलब उससे पहले होता है ना कॉन्वोकेशन ड्रामा होता है उसी दौरान, और फिर बच्चों को बाबा डिग्रीज देते हैं, जो पास कर रहे होते हैं उनको ब्लेस करते हैं, ये सारा फंक्शन होता है। तो मेरे ब्रदर को तो पता चला कि क्या क्या होता है, तो उसने बोला कि आप आ जाओ। तो क्या हुआ कि मेरे पापा मम्मी ने कहाँ गुजरात और कहाँ आंध्र प्रदेश, अब सारा उन्होंने आंध्र प्रदेश की टिकटें जो थी, अब लेने का तो रिजर्वेशन तो नहीं मिल सकती थी, हाँ ये है कि भाई हाँ ट्रेन में चढ़ जाओ जनरल बोगी में, और फिर जो ट्रेन आए करंट टिकट ले लेके चढ़ जाओ। तो इन्होंने वही किया, बहुत धक्के खाते, प्लेटफॉर्म्स पे सोते, कैसे भी करके ये लोग पुटापर्ती गए, और इन्होंने कॉन्वोकेशन ड्रामा देखा, और बहुत अच्छा है बाबा के साथ इनको समय मिला। और इस वक्त मेरे ब्रदर ने जो बाबा की ब्लेस की हुई विभूति और लॉन्ग थे, वो क्रिएट की हुई विभूति, बाबा की विभूति क्रिएट की थी उन्होंने हाथ घुमा के, तो वो विभूति उन्होंने दे दी कि भाई इसके बाद तो आप रज्जू को मिलने जा रहे हो, मेरे को मिलने जा रहे हो, तो आप ये विभूति ले लो। तो फिर मम्मी पापा ने वो विभूति जो थी दीपक से ले ली, और वो लोग मेरे पास पहुंचे 26 नवंबर को। जब ये लोग 26 नवंबर को पहुंचे, तब रात को पहुंचे, और फिर मम्मी ने सब सामान खाली करना शुरू किया और बहुत अपने एक्सपीरियंस सुनाने लगी और मेरे से बात करने लगी। मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। और क्या हुआ कि मम्मी ने मुझे विभूति दी, मैंने मम्मी ने बोला अभी खा ले आदि, तो अभी खा ले तू और बाकी रख ले, तो डिलीवरी के टाइम काम आएगी। तो मैंने बाबा की दी विभूति की, फिर मम्मी ने बोला अच्छा सुन, तो एक गौरव ने मुझे टेप दी थी, चल वो भी चला ले, हाँ बाबा के दर्शन करते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, वो टेप में वही क्लिप था जिसमें दीपक बाबा को कह रहा है, बाबा सिस्टर ऑन फैमिली वे प्लीज ब्लेस हर, और बाबा जो है उसको विभूति क्रिएट करके दे रहे हैं। तो यहाँ बाबा VCR में विभूति क्रिएट हो रही है, यहाँ पे मम्मी मेरे लिए वो विभूति लेके आ रही है, वो विभूति मैं खा रही हूँ, और मुझे बाबा की ब्लेसिंग जो है वहाँ पे मिल गई। अब क्या पॉसिबिलिटी थी कि किसी को टेप में दीपक मिलता और वो इंसिडेंट मिलता जो मुझे, मेरे लिए मांगा गया, और वो मुझे ठीक, मतलब एकदम टाइमली मिल गया। तो हम बहुत एक्साइटेड हो गए कि बाबा की ब्लेसिंग है ये है, हम लोग बहुत खुश हो गए कि विभूति बाबा ने क्रिएट की। देखो दिखाया मैं कैसे क्रिएट किया, मैं ऐसे क्रिएट किया, फिर मैं ऐसे दिया, फिर मैं पुड़िया में बांधा और लॉन्गर विभूति मिली। अब उसके बाद क्या हुआ कि 27 नवंबर को मेरे को बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही बेबी की, और जब मैं डॉक्टर के पास वाले एक छोटे से अस्पताल में गई, तो जो मेन हॉस्पिटल था वो तो गांव में था, उसके लिए तो दूर जाना पड़ता था, लेकिन एक छोटा सा एक टाउनशिप के अंदर भी था, और वहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट चली गई थी, दूसरी नई आई थी, वो जस्ट ज्वाइन ही करी थी अभी। तो फिर मैं जब उसके पास गई, तो उसने तो बोला कि मुझे हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप अपने हॉस्पिटल में चले जाओ। हम गांव के हॉस्पिटल में गए, उसके पास तो अल्ट्रासाउंड मशीन भी नहीं थी, उसने बोला उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती, आप एक दूसरे गाँव में चले जाओ। फिर हम दूसरे गाँव में गए, मतलब वो 9 महीने का पेट लेके मैं वहाँ वहाँ गई, और बच्चे की कोई मूवमेंट नहीं, कोई धड़कन नहीं। और बाबा, फिर जब मैं शाम के, सुबह के 9 बजे निकले, पापा मम्मी मैं, मेरे हस्बैंड ड्राइवर, एक ऑफिस का ड्राइवर एंड गाड़ी ले ली थी, और वो सारा हम घूमते घूमते शाम के 7 बजे, आप सोचो सुबह 9 AM to 7 PM हम हॉस्पिटल पहुंचे, और वहां पे जाके मुझे डॉक्टर ने बोला इसी वक्त चल, तेरा भी ऑपरेशन करना पड़ेगा, हो गया तेरा। एंड मैं इतना डर गई, मैंने बोला क्यों, कैसे, बोला नहीं बच्चे को बचाना जरूरी है, अब तेरी बात नहीं सुन सकती मैं। और वहाँ पे एक डॉक्टर थी, पारसी डॉक्टर, उसका नाम था साजिदा बहन कागज वाला, मैं उसका नाम इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि बहुत उसने किया मेरे लिए, और बाबा की बंदी थी वो, एंड उसने मेरा ऑपरेशन कर दिया पूरा, एंड मेरा बेबी हो गया बिल्कुल सेफ एंड साउंड, और अच्छा हो गया, मेरा बेबी पैदा हो गया। और उसके बाद जो था कि मुझे पता चला कि बाबा ने किस तरह से कुछ मुसीबत आनी थी, उस मुसीबत को
बाबा ने कैसे पार किया कि एक ट्राइबल हॉस्पिटल में जहाँ कोई अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पे मैं इसका बेबी डिलीवर होना है और इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन आनी है, कुछ होना है, और इतने इतने घंटे बेबी जिंदा भी कैसे रहा, क्योंकि वो धड़कन नहीं थी, उसकी मूवमेंट नहीं थी, वो विभूति एक रात पहले ही पहुंची और एक रात पहले बाबा ने वीडियो भी दिखा दिया कि मैं दे रहा हूँ, तो फिर तू फिक्र ना करियो कुछ भी हो तो। और मैं सच में घबराई नहीं थी कि बाबा की विभूति थी, लॉन्ग थी मेरे पास, और ऑपरेशन के दौरान भी मैंने बाबा की विभूति ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले खा ली थी पूरी की पूरी, एंड मैंने बाबा की फ़ोटो तकिए के नीचे रख ली थी। बट ठीक ठाक सब डिलीवरी हो गई, ये हो गई, और दिपाशा 27 नवंबर को पैदा हो गई। जय साई राम बाबा, तुम्हारी कृपा का तो कोई अंत ही नहीं है, हमें तो जानने की भी क्षमता नहीं है, तुम्हारी कृपा तो इतनी अपार है, इतनी अपार है कि हम इतना छोटा मान लेते हैं एक इंसिडेंट को, हम ये मान लेते हैं कि हम वी टेक यू फॉर ग्रांटेड समटाइम्स, हम उसकी डेथ को नहीं समझ पाते, उसमें हमें जितना मेडिटेट करना चाहिए, कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए, जितना हमें उसे बखान करना चाहिए, औरों से शेयर करके हमें औरों को इंस्पायर करना चाहिए, वो तो हम करते ही नहीं। आज मैं बोल रही हूँ, इतने सालों से तो मैं बोली नहीं, इसे बताया नहीं कि कितने महान है बाबा, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो अपने भक्तों को बचाने के लिए कहाँ से कैसे पहुंचा सकते हैं चीज को, और फिर वीडियो के थ्रू दिखा भी सकते हैं कि मैं दे रहा हूँ, मैंने प्रोड्यूस की, मैं हूँ, और सारा काम उन्होंने ही ठीक किया बाबा। जो मुसीबतें आने जो हमारे कर्म है वो तो हैं, लेकिन तुम्हारे साथ होने से, तुम्हारे पास होने से, तुम्हारा एहसास होने से वो सब इतने आराम से कट जाते हैं। तकलीफें जो हैं उस पर से ध्यान ही हट जाता है हमारा बाबा, हमारा ध्यान तो तुम्हारी तरफ लग जाता है और तुम्हारे प्यार में हम फिर से डूब जाते हैं और अपनी तकलीफें हमारी निकल जाती हैं और बुरा होते 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 अच्छा हो जाता है, एंड तक बुरा होते 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 फिर अच्छा हो जाता है बाबा। बहुत विश्वास है बाबा तुम पे, सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखना बाबा।